ਚਾਰ ਤੇ ਗੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗੂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ गरीब इत असल गल है कि इन्हों की जे मेहनत बुकत नहीं फिर किसी की मेहनत की बुकत नहीं हूँ वेखो आ तारा ने इधरों जरा एक देखने दे जरा आ तारा ने आ तार है थोड़ा जहा पिछड़ी ये आ सामने जी है ना ये जी जिथे जवान परेड करते है ठीक है तो इदू अगे आ खेत ने हूँ किसानों ने साढ़े जिते कहते भी अचार नाल गंढिया ना खाने रोटी है असि तो देसी घ्यो ना खाने यह जी गल नहीं पिछे क्यों है गुरबत क्योंकि 2018 तो इना मेहनती मेहनत कस खून पसीना बहा के रोटी खाने वालों कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है और ये कॉम्पनसेशन का बेसिक हीला और इस कोई ये ना सोचे मैं किसी सरकार की निंदा करना आ या मैं किसी सरकार के पक्ष आया मैं किसान के पक्ष आया और मैं साफ साफ कहना कि 50% स्टेट की सरकार पाती है मैं उदो भी याद है कि जो मैं अमृतसर पहली बार MP बने उदो 4000 होंगी कॉम्पनसेशन जी अज 10000 है कॉम्पनसेशन स्टेट की सरकार जी है 50% पाती है तो सेंटर की सरकार 50% पाती है इस करके मैं कहना कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर छड़ के हर मसले का हल इनकम है जे थोड़े को 50 पैसे हो रुपया मिलता है और ना सिर्फ थोनू रुपया मिलता इन्ह किसानों का गंढे ना रोटी खाने का दाल मखनी खाने का इन्ना ही फर्क इन्ना तो डिजर्व करते ही है ना ठीक है हम मजबूरी यह है कि जमीन आ जमीन यह जमीन है सामने ये तो है की ना है जट्टू सिंह किन्नी है इतने 4.5 इतने सब तो वह कि है फिर पानी कितो कलर बन रही कलर हूं वेखो इना सार जे ना लवेंगे तो की सार लवेंगे मेनू दसो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖੋ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ PPCL ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਲਓ थोड़ी जी कोऑपरेशन करो क्योंकि अगले 3 दिन तलवंडी साबो ते रोपड़ वाला प्लांट बंद रहेगा वो भाई हुण होर केड़ी कोऑपरेशन कर दे जे 22 घंटे जो 2 घंटे ते आउंदी है हुण 2 घंटे भी नहीं आउणी हिसाब है एक मौका आप नू ना बत्ती देण नू ते ना रात नू ये हिसाब ताल कर यार तू सुनते हो नहीं सुनते यार रात नू ही नहीं देंदे किन्ने मन मन चार दिन हो गए लाइट ही नहीं जुर्माना कर गए भी 13 माफी वाला मीटर लगे जी छोटी दुकान करियाने की हाल शुरू करता पिंड इन्हे धक्के सही हो रही मतलब किसी को 30 रुपए नहीं है हूं जी झाड़ कटन की गल की मैं पिछले 20 दिनों का कह रहा ਭਵਾਂ ਝਾੜ ਕਟਿਆ
पर परमात्मा हरेक अखियाई दे विच कोई ना कोई खिड़की दरवाजा जरूर खोलदा है। 4000 रुपये 3500 रुपये इंटरनेशनल मार्केट दे विच कणक विकरी है क्योंकि कणक की स्कैसिटी है और खास तौर पर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करके इस आपदा करके ये कणक बड़ी ज्यादा महंगी हो गई है। हुण मैनू दसो 400 रुपये कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे भाई। दूजी गल 22 किसानों ने खुदकुशी कर ली। मैं थोनू जो नाम जी जी तुसी नाम तुहाडे कोल होने लेकिन किस तरीके नाल किसी ने गड्डी अगे आ के किसी ने फाहा ला के किसी ने टोभे छाल मार के टोभे च नीवा होके उत्थे छाल मार के किसी ने गड्डी दे अगे छाल मार के आ कल परसों मैं गया सी जिथे आपां गए सी किथे गए सी मोड़ गया सी मैं नहीं नाभे तुंगा नाभे गया सी मैं उन्हें सल्फास खा के और कहिंदे इन्नी कु दर्द हुंदी है जदों सल्फास खांदा बंदा अंतां उत्तां पड़दा कहिंदे मतलब जिवें माची मर गया सी कहिंदे कोई एहसास ही नहीं सी उहनूं कहिंदा मैं जी के लैणा की है और इस करके भी अगले ठेके लैण तों अज उहदी हालात इहो जिहे नहीं कि मैं अगला ठेका लै सकां। सो इस करके मैं फिर दरख्वास्त करता सेंटर की सरकार नूं कि नंबर एक जिहड़े तारां पार वाले जिन्हें किसान ने इन्हां दी कौम मैं डिप्टी कमिश्नर नूं फोन किया सी। डिप्टी कमिश्नर कहिंदा सर मैं देख के दसूंगा तो मैंने तो पता सी भी 2018 तो कोई कंपनसेशन नहीं मिली। इस करके मैं कहना कि माफिया राज खत्म होना चाहिए। क्यों असी सुविधावां नहीं दे सकते क्यों असी सहूलतां नहीं दे पा रहे क्यों असी 600 यूनिट नहीं दे पा रहे क्यों इन्हां कच्चियां नूं पक्के नहीं कर पा रहे क्यों ये नौकरियां जिहड़ियां दित्तियां ने इन्हां नोटिफिकेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि साडे कोल सोर्सिस ऑफ इनकम है ही नहीं। मैं यही कहना कि इस माफिया नूं मारो। 6 चीजां ने जिहड़ियां अज सरकार कर सकदी है। नंबर एक शराब इन्हां दी चंगी नीति आनी चाहीदी है ये GST तो परे ने ठीक है जी। नंबर 2 सैंड केजरीवाल साहब तो झूठे ने सुखबीर नाल कंपीटिशन है उन्होंने ठीक है कि नहीं वो तो इन्ने झूठे ने वो कहना 20,000 करोड़ रेते चो कढ़ांगे जब तक ठेकेदारी सिस्टम है ना 20,000 करोड़ की 200 करोड़ नहीं निकलता ठीक है। ये चीज़ां GST तो बाहर ने इन्हां चो पैसे निकल सकते हैं रेते चो शराब चो ट्रांसपोर्ट चो ते केबल चो अज कि छापा छुपा मारिया मैं तारीफ करता उदू बाद जमीन कब्जे च ने बड़े बड़े घनाटा ने जमीने कब्जे च कीतियां हुई ने बड़िया स्टेटमेंटा सुनिया मैं बड़ी खुशी है। अभी तो जेडे चीफ मिनिस्टर दे के आए थे रिपोर्ट बनाई के मैं सी चेयरमैन सब कमेटी का मैं जेडे चीफ मिनिस्टर दे के वो आपदी दबी हुई सी तो उन्हें की उन्हें कार्रवाई करनी सी करो कार्रवाई ठोक के अही नाल खड़े हैं। फिर जी टैक्स कंपलायंस सहूलतां दित्तियां नहीं तो टैक्स कितों देने हैं लोगों ने लेकिन फिर भी कई टैक्स नहीं दिते होंगे उन्होंने पैसे जनरेट हो सकते जे वो पैसे अज साडे कोल होण मुलाजम भी पक्के होंगे नौकरियां भी दित्तियां जांदियां किसान नूं कंपनसेशन भी दित्ती जाऊ तो आ जिहड़ा 2018 तो जिहड़ी 10,000 रुपये कंपनसेशन उन्हां किसानां नूं जिन्हां दी जमीन तारां पार आ देखो ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਸੜ ਔਰ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 4-5 ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਬੈਠਾ ਛੱਡ ਜਾ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ इस करके एक कंपनसेशन द्वारा इशू होनी चाहिए है ये 50 पैसे पा के रुपया सेंटर की सरकार तो लेना चाहिए एक दूजे ते उंगलां चकन की बजाय यह मुद्दा मैं इस करके चुक रहा कि मेरे दिल दे बड़ा करीब है ये चाहे फिरोजपुर हो चाहे अमृतसर हो चाहे गुरदासपुर हो तिने डिस्ट्रिक्टां दे विच 31,000 एकड़ जमीन आउंदी है। हुण कोई सवाल पुछना हो तो दसो।